हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कॉमर्स के सेमेस्टर टू वालों के लिए स्पेशल बता रहे हैं, लेकिन ये सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री तीनों आरसी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों सेमेस्टर में ये आरसी के रूप में रखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसका सिलेबस पूरा बताने वाला है, इसके साथ ही कुछ अदर पॉइंट्स भी बताने वाले। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाएंगे तो तुरंत आप लोग देख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, जो 25 नंबर मिलेंगे आप लोग को इंटरनल कॉलेज से मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग 75 नंबर जो रहेगा सो आप लोग को लिख के लाना है, ठीक है। तो लिख के लाना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें आगे क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पढ़ना क्या आप लोग को, ठीक है। तो इसमें चार ही पॉइंट है जिसको आप लोग को पढ़ना है। चार पॉइंट आप लोग 4 घंटे में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स पहला क्या दिया हुआ है। तो देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में यानी कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है इसका इंट्रोडक्शन। देखिए मार्केटिंग, मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है मार्केटिंग का मतलब, फिर नेचर क्या, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या, क्या ज़रूरी है ये मार्केटिंग का, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फिलोसफीज के बारे में यानी कि इसके क्या दर्शन हो सकते हैं, सर्विसेस मार्केटिंग मीनिंग एंड डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका सर्विसेज के बारे में हो गया। मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4P थ्योरी एंड 7P थ्योरी, तो ये आप लोग को इंट्रोडक्शन में था स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यूनिट टू में क्या दिया हुआ, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आप लोग को क्या पढ़ना, नीड फॉर स्टडिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मतलब कि क्या ज़रूरत है आप लोग को पढ़ना मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में। माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडियरी, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, पब्लिक्स, फिर अगला माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिको, लीगल एंड सोशियो कल्चरल, तो ये सारा कुछ आप लोग को मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि सबसे पहले बात तो ये है कि कंज्यूमर का बिहेवियर समझना होता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप लोग को लिखना, नीड फॉर स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, यानी क्यों पढ़ना जरूरी है कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, ठीक है। और टैप्स, इसकी कौन कौन से टैप हो सकते हैं, स्टेज इन कंज्यूमर बिहेवियर नहीं बाइंग, ठीक है। देखिए स्टेज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, जो खरीदता है उसका जो प्रोसेस है, क्या क्या कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, इसका अगर आप लोग बुक पढ़िएगा तो बहुत ही बढ़िया आप लोग बिजनेसमैन बन जाइएगा, ठीक है, ऐसा गारंटेड है एकदम पूरा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिया क्वेश्चन से। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन, मार्केट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन में देखते हैं चूजिंग मार्केट वैल्यू थ्रू एसटीपी, एसटीपी के द्वारा आप लोग चूज कर सकते हैं मार्केट वैल्यू के बारे में। मार्केट सेगमेंटेशन, लेवल्स एंड बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स के बारे में। फिर मार्केट टारगेटिंग, यानी कि मार्केट को टारगेट करना, कॉन्सेप्ट एंड क्राइटेरिया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और क्राइटेरिया क्या क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट एंड बेसिस, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन कॉन्सेप्ट एंड बेसिस, तो ये सारा कुछ आप लोग को मार्केट सिलेक्शन में करना है। फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कुछ है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ, तो आप लोग को बुक्स मिल जाएंगे सारी कॉलेज की लाइब्रेरी में, तो आप लोग कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दो दो दिन में लौटा दीजिएगा, तुरंत पढ़ लीजिएगा, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है अपने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए, तो आप लोग घर में ही मंगा लीजिए बुक्स को और पढ़िए, नहीं तो स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर तो है ही पढ़ने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का वीडियो तो हम इस चैनल में डालेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स, पूरा बढ़िया तरीके से देखते रहिए वीडियो को और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आप लोग जैसे ही हम डालें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो तुरंत आप लोग देख पाइएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, आई होप आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।